Hello guys, you are very welcome in a very fresh lecture of Wikipedia. We are going to talk about Euclid division lemma. I have sent a few questions. Now this is the last lecture regarding to Euclid division lemma. If you haven't seen the previous lectures, that I suggest you कि आप पहले वो lecture देखें, उसके बाद ये देखें, तभी आपको ये lecture समझ में आएगा, otherwise नहीं आएगा. So let's get started. So let's talk about the first question that I have selected, बेटा. पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं. प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस टू एंड एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाय थ्री, सॉरी, वेर एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर एन एक पॉजिटिव इंटीजर है. नाउ इस क्वेश्चन को अगर हम यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग करें, सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, नाउ यूक्लिड लेमा का जो स्टेटमेंट है वो हमें बताता है दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर बी इक्वल्स टू थ्री. नाउ आर यहां पर जो बनेगा, आर का जो डोमेन बनेगा वो बनेगा जीरो वन एंड टू, ये जो है वो आर का डोमेन बनेगा. और जो हमारे पास ए है कंडीशन के अंदर, ए है एन, है ना, ए एन है, एन प्लस टू है एंड एन प्लस थ्री है. नाउ इस रिमाइंडर को हम इन तीनों टर्म्स के अंदर पुट करके देखते हैं. So, पहले क्या है, when a equals to n and remainder is equal to zero, क्योंकि अंदर क्या बनेगा, a equals to n, तो यहां पर हमारा जो है बन जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे n यानी कि डिविडेंड. डिविडेंड हमारे पास यहां n है, n n प्लस टू है, n प्लस थ्री है. सबसे पहले हम n को लेकर चलते हैं. सो n, और यहां पर जो है हमारा इक्वल आ जाएगा ये 3 q, क्योंकि b इस टाइम पर 3 है, सो q प्लस r, रिमाइंडर हमारा यहां पर 0 हो जाएगा. नाउ ये तो पहले रिमाइंडर की बात थी. अब when a equals to n, next term is n plus 2, n plus 2 है and रिमाइंडर को हम वही लेकर के चलते हैं 0, कि रिमाइंडर जो है वो 0 है. सो उस टाइम पर जो हमारा इक्वेशन, हमारी जो इक्वेशन बनेगी, दैट वुड बी n प्लस 2 इक्वल्स टू 3 q प्लस टू, बिकॉज रिमाइंडर इज जीरो. हम यहां पर लिख सकते हैं 3q प्लस 0 प्लस 2, बट बात नहीं रहेगी 3q प्लस 2. अब नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन a इक्वल्स टू n प्लस 4. नाउ a जब n प्लस 4 रहता है तो हमारे पास क्या बनता है, और रिमाइंडर जो है वो 0 रहता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास बचता है n प्लस 4 इक्वल्स टू 3q प्लस, प्लस फोर हमारा यहां पर दिस वन, एंड रिमाइंडर हमारा यहां पर जीरो है. सो एन प्लस फोर इक्वल्स टू 3q प्लस 4. नाउ ये तीन टर्म बनते हैं जब हमारा रिमाइंडर जीरो होता है. एन इज इक्वल टू 3q प्लस 0, एन इज एंड नेक्स्ट बनता है ये, तो इसमें से हमारे पास ये डिविजिबल है. तो जब हमारा रिमाइंडर जीरो है, सो हमारे पास एन इक्वल टू 3q जो है वो डिविजिबल है 3 से. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं. जब हमारा ए जो है एन है, व्हेन ए इक्वल्स टू एन एंड हमारा रिमाइंडर जो है वो इस टाइम पर 1 है, बिकॉज रिमाइंडर 0 1 2 1 एंड 2 है. रिमाइंडर हमने 0 यूज कर लिया है, हम 1 यूज करके देखते हैं. सो रिमाइंडर जब 1 है, सो इस केस में हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस वन ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो ए हमारे पास अगेन डिविडेंड एन है, बी हमारे पास 3 है, यहां पर क्यू है, प्लस 1 है, रिमाइंडर यहां पर 1 यूज हो रहा है. सो बेसिकली यहां पर क्या होगा कि ये बनेगा, सेकंड कंडीशन बनेगी व्हेन ए इक्वल्स टू एन प्लस 2 है एंड रिमाइंडर हमारे पास 1 है. उस कंडीशन में हमारे पास इसके अकॉर्डिंग बनेगा एन प्लस 2 इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस हमारा ये वाला 2 प्लस रिमाइंडर हमारा 1. सो एन प्लस 2 इक्वल्स टू 3q प्लस 3 विच गिव्स अस एन प्लस 2 इक्वल्स टू 3 कॉमन एंड यहां पर बचेगा q प्लस 1. सो बेसिकली इस केस में हमारा ये डिविजिबल निकलता है. नाउ थर्ड पर करके देखते हैं. थर्ड हमारा बनता है व्हेन a इक्वल्स टू एन प्लस 4 एंड रिमाइंडर, अगेन रिमाइंडर इज 1. सो हमारा इस कंडीशन में बनता है एन प्लस 4 इक्वल्स टू 3q
प्लस फोर एन आर रिमाइंडर वन, सो एन प्लस फोर इक्वल टू थ्री क्यू प्लस फाइव हमारा यहाँ पर बनता है। सो आउट ऑफ दिस जहां पर हमारा रिमाइंडर जो है वो वन है, हमारा ये वाला थ्री से डिविजिबल नहीं है, दिस वन इज डिविजिबल बाय थ्री एंड ये भी हमारा थ्री से डिविजिबल नहीं है। नाउ ए पार्ट ऑफ रह गया क्वेश्चन का, इससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ फाइनल कंडीशन इज व्हेन ए इक्वल टू एन है एंड हमारा रिमाइंडर जो है वो बन जाता है टू। सो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या बनता है, एन इज इक्वल टू बी हमारे पास थ्री है इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर हमारे पास टू। नाउ ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है व्हेन ए इक्वल टू एन प्लस टू एंड हमारे पास जो रिमाइंडर है वो टू है ऑल्सो। सो उस कंडीशन में हमारा ए एन प्लस टू है इक्वल टू बी हमारा थ्री है, क्यू हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है एंड रिमाइंडर हमारा इस कंडीशन के सॉरी थ्री क्यू प्लस टू एंड रिमाइंडर हमारा इस कंडीशन में टू है। सो एन प्लस टू इक्वल टू थ्री क्यू प्लस फोर। अगेन नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन ए इक्वल टू एन प्लस फोर है एंड आर इक्वल टू टू है, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या बनता है, एन प्लस फोर इक्वल टू थ्री क्यू प्लस फोर प्लस हमारा रिमाइंडर दैट इज टू। तो इस कंडीशन में हमारे पास बनता है एन प्लस फोर इक्वल टू थ्री क्यू प्लस सिक्स एंड अगर हम यहाँ थ्री कॉमन लेते हैं सो यहाँ पर क्यू प्लस सिक्स कॉमन आ जाएगा। सो एन प्लस फोर इक्वल टू सॉरी थ्री कॉमन क्यू प्लस टू अंदर बचेगा। सो बेसिकली हमारा इसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में से और इक्वेशन थर्ड में से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इक्वेशन थर्ड जो है वो थ्री से डिविजिबल है। सो इनमें हमें पता चल गया है कि अगर हम यहाँ पर डिफरेंट हमारे रिमाइंडर की वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यू होंगी एंड उनमें से एक ही वैल्यू केवल थ्री से डिविजिबल होगी। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द सेकंड क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ लेट मी राइट द नंबर्स प्लीज 441 कॉमा नेक्स्ट इज 567 एंड 693। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें सबसे बड़े डिजिट्स आते हैं। लेट मी टेक दिस एंड दिस इन कंसिडरेशन। सो अकॉर्डिंग टू डिविजन लेमा हमारे पास बनता है 693 एज डिवाइडेड कॉज डिविजन लेमा ही ये कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ना यहाँ पर हमारा a जो है वो हमारा थोड़ा लार्जेस्ट डिजिट माना जाता है। सो 693 इक्वल टू बी हमारे पास है 567 एंड नाउ ये 567 से वन टाइम्स जो है वो डिवाइड होगा प्लस हमारा रिमाइंडर बचेगा दैट इज 693 आउट ऑफ 567। सो ये हमारा बचेगा 8 माइनस 6 इज 2 एंड 126 बेसिकली क्या 126 प्लस 126। नाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यू डिविडेंड एंड 567 इक्वल टू एंड 126 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डिवाइजर इन टू दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स एंड 126 इंटू 4 टाइम्स इज गोइंग टू बी now next is going to be 63 basically and here again this is going to be our new dividend and this is going to be the next divisor 63 into this is going to be is second time two times and 2 3 is 6 and 2 6 is 12 basically remainder yahan par zero aa gaya hai to jahan par remainder zero aa jata hai us step ka divisor is going to be the hcf ye hamara hcf ban jata hai yahan par। सो बेसिकली यहां पर एचसीएफ अगेन ये है। नाउ एचसीएफ ऑफ 441 एंड 63 इट विल लार्ज है एंड यहां पर 441 क्योंकि ये लार्जेस्ट डिविडेंड है तो ये यूज होगा एज डिविडेंड
इक्वल्स टू 63 यूज होगा एज डिवाइजर इन टू नाउ हाउ मेनी टाइम्स इज गोइंग टू बी 63 इंटू 7 टाइम्स प्लस 0 इज गोइंग टू बी द आंसर एंड नाउ 63 जो है वो हमारा यहाँ पर डिजिट आ रहा है लास्ट डिजिट आ रहा है तो यहाँ पर HCF जो होगा HCF ऑफ 441 567 एंड 693 इज गोइंग टू बी 63 ना ये हमारा थर्ड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग और अगर हम इसे अब डिवीजन मेथड या हम जिसे शॉर्ट डिवीजन मेथड बोलते हैं अगर उस के अकॉर्डिंग करें तो 441 डिवाइड बाय 567 हम इसको ऐसे करते हैं तो ये वन टाइम जाएगा 441 7 माइनस 1 6 एंड 6 माइनस 4 2 एंड 5 माइनस 4 1 Now, this 441 is going to be the next dividend. So, basically, so 11 minus 8 is going to be 3 and 13 minus 7 is going to be 6 and here is 126 and 60 is going to be 2 times and 2 3 is 6 and 2 6 is 12. It is going to be 0 now. 63 is the remain is the last answer and now 693 here is 63 ones are and per 6 bachega 3 and 63 times and 0. So HCF would be 63 and again HCF here is also 63. So in both cases hamara 63 LCM aata hai. So according to division lemma hum isko is step se lekar ke chalenge. So 63 is the correct answer. Pause the video and note it down. Yeah. So let's just hop on to the next question and next question is basically let me write it. So next question is for any positive integer n, let's say n, हमें करना है prove that n cube minus n is divisible by 6. Now, अगर हम 6 के केस की बात करें so वे according to division lemma हमारे पास जो आंसर आता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नाउ रिमाइंडर कैन बी रिमाइंडर का जो डोमेन बनता है वेर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 सो ये रिमाइंडर का डोमेन बनता है बेसिकली सो लेट अस टॉक अबाउट r डिविडेंड सो प्रूव दैट n ये चीज इज डिविजिबल बाय 6 यानी कि ये चीज हमारा जो है डिविडेंड है सो बेसिकली हमारे पास जो डिविडेंड आता है एन क्यू माइनस एन हम इसे तोड़ना चाहें सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी ए एंड अगर हम इसे तोड़ना चाहें सो हम इसको एन कॉमन ले सकते हैं अंदर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन अगेन हम इसको लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन एंड एन इन एन माइनस वन अगेन ये मैंने पहले क्वेश्चन शायद से करा रखा है बट नॉट फॉर श्योर So, this is going to be our dividend. So, now, dividend के case के लिए, अगर हम बात करें, so, for first case, that is going to be when remainder equals to 0, जब remainder 0 है. So, A बन जाएगा हमारा n into n plus 1 and n minus 1 and B हमारा बन जाएगा 6, Q हमारा कोई भी integer बन जाएगा जैसे this is going to be this n is going to be 6 cube. In this case, we are going to take n as 6 cube. So basically, what we are going to do, n is going to be 6 cube. Again, n plus 1 is going to be 6 cube plus 1 and n minus 1 is going to be 6 cube minus 1. Now from this 6, we can clearly see that it is divisible by 6. So this whole term is divisible by 6. Now for second case,
और सेकंड केस वी हैव आर इज इक्वल टू वन. नाउ हमारा एन ऑटोमेटिकली से ही सिक्स क्यू प्लस वन बन जाएगा. सो बेसिकली हम इसे ही तोड़ करके दोबारा लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन एंड हमारा नेक्स्ट बनेगा n माइनस वन इक्वल टू, यहां पर हमारे n की वैल्यू जो है वो बन जाएगी सिक्स क्यू प्लस वन बिकॉज ऑफ डिविजन लेमा. लेट मी राइट इट क्लियरली. सो n इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू प्लस वन. नाउ n को अगर हम तोड़ करके लिखे सिक्स क्यू प्लस वन अगेन n सिक्स क्यू प्लस वन प्लस वन एंड हेयर इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू प्लस वन माइनस वन. दिस इज गोइंग टू बी कैंसलाइज एंड द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू प्लस वन एंड सिक्स क्यू प्लस टू एंड ऑल्सो सिक्स क्यू. नाउ इस सिक्स से हम देख सकते हैं कि ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी सिक्स से. सो अगर ये टर्म पूरी सिक्स से डिवाइड हो सकती है तो ये भी डिवाइड हो सकती है. नाउ फॉर थर्ड केस वेन आर इज इक्वल टू टू एंड उस केस में हमारे पास n बन जाएगा 6q क्यू प्लस टू. सो बेसिकली अगर हम इसी डिविडेंड को लें n इंटू एन प्लस वन एंड n माइनस n माइनस वन. सो अगर हम इसी को इसी के टर्म में लिखें सो हमारा n जो है 6q क्यू प्लस टू है दिस टाइम. तो 6q क्यू प्लस टू एंड हेयर इज द नेक्स्ट ब्रैकेट 6q क्यू प्लस टू प्लस वन एंड ऑल्सो टेक्स सिक्स क्यू प्लस टू माइनस वन. अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हमने ये सब लिखा है. तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा बचेगा सिक्स क्यू प्लस टू एंड हेयर इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड हेयर इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू प्लस वन या प्लस वन. तो बेसिकली इस ब्रैकेट में से हम टू को कॉमन लेंगे अंदर बचेगा थ्री क्यू प्लस वन एंड इस ब्रैकेट से हम थ्री को कॉमन लेंगे. सो यहां पर बचेगा सिक्स क्यू सॉरी टू क्यू प्लस वन एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट वुड बी सिक्स क्यू प्लस वन. अगर हम इस टू और थ्री को मल्टीप्लाई करें सो हमारे पास जो फाइनलाइज आंसर आएगा दैट वुड बी सिक्स एंड थ्री क्यू प्लस वन. नेक्स्ट ब्रैकेट इज गोइंग टू बी टू क्यू प्लस वन एंड लास्ट ब्रैकेट इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू प्लस वन. This is the final answer. So, इस सिक्स से हम देख सकते हैं कि ये थर्ड केस में भी डिविजिबल हो जाएगा. नाउ फॉर फोर्थ केस व्हेन हमारा जो आर है आर इज गोइंग टू बी थ्री हेयर एंड जो हमारा एन है एन इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू प्लस थ्री वेयर क्यू इज एन इंटीजर. सो इस केस के अंदर अगर हम बात करें सो इस केस के अंदर भी सेम वही कंडीशन में ही n, n प्लस वन एंड n माइनस वन ये तो सेम ही है सबके लिए. कर दिया हमारा नया हमने इसको तोड़ दिया है एज इसमें. तो हमारा जो नया n है वो बनेगा सिक्स क्यू प्लस थ्री. ऑल्सो नेक्स्ट ब्रैकेट इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू प्लस फोर एंड नेक्स्ट ब्रैकेट इज गोइंग टू बी सिक्स क्यू एंड थ्री माइनस वन गोइंग टू बी टू प्लस टू. नाउ इसके अंदर से मैं थ्री निकालूंगा इसके अंदर से टू निकालूंगा. तो मेरे पास पहले ही मैं लिख लेता हूं थ्री इंटू टू. पहले ब्रैकेट से मैंने थ्री को कॉमन लिया है. सो थ्री को कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा थ्री टू दस सिक्स एंड थ्री वन द थ्री एंड नेक्स्ट ब्रैकेट से मैंने टू को कॉमन लिया है. तो टू थ्री दस सिक्स एंड टू टू दस फोर एंड सिक्स क्यू प्लस टू. नाउ ये सिक्स बन जाएगा इक्वल टू सिक्स इंटू टू क्यू प्लस वन एंड थ्री क्यू प्लस टू एंड सिक्स क्यू प्लस टू. सो दीज आर द फोर केसेस. Pause the video and note it down. Let us take a further more. That is case number 5. For fifth case. Fifth case is going to be where R 4 will be. R is going to be 4 and N is going to be 6Q plus 4. Now again N into N plus 1. And n minus 1, this is going to be now, replace n with 6q plus 4. Now it is going to be 6q plus 4 and n plus 1, it is going to be 6q plus 5 and next is going to be 6q plus 3. Again, iske andar se 2 nikalna hai, iske andar se 3 nikalna hai, sorry. सो टू निकालने के बाद यहां पर बचेगा, मैं 3 यहां पर पहले ले लेता हूं. 2 निकालने के बाद यहां बचेगा 3q plus 2
एंड 6u+1 ऐसे ही आएगा कॉज हमने इसमें से कुछ भी कॉमन ले लिया है। यहां से हमने 3 को कॉमन उठाया सो हमारे पास बचेगा 3 2 6 एंड 3 1 3। ऑब्वियसली यहां पर 6 बन जाएगा सो 6 बनने के बाद आप इस सिक्स से क्लियरली देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6 से। सो अगेन ये भी डिविजिबल होगा केस 4 के केस में जहां पर r जो है वो 4 बन जाएगा एंड हमारा 6u+4 बन जाएगा। नाउ द लास्ट केस फॉर 6th केस तो 6th केस के अंदर जो है वो हमारा r जो है वो बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 5 एंड आर n इज गोइंग टू बी 6u+5। सो अगेन हमारे पास जो हमारा डिविडेंड है दैट इज n इंटू n प्लस 1 एंड n माइनस 1 इक्वल्स टू n हमारे पास दिस टाइम 6u+5 है सो हम इसे यहां पर रिप्लेस करेंगे सो ये बन जाएगा 6u+5। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारा बन जाएगा 6u+6 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा हमारा 6q एंड 5 माइनस 1 4 सो प्लस 4। अगेन हम इसमें से ही केवल 6 को निकाल लेंगे सो हमारा 6 निकालने के बाद ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा q+1। इस ब्रैकेट पर नेक्स्ट उतार लेंगे 6u+5 एंड लास्ट ब्रैकेट को 6u+4 को उतार लेंगे। नाउ इस 6 से भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 6 से भी ये इस 6 की बदौलत ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो हम प्रूव कर चुके हैं कि जब हमारा रिमाइंडर 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है तब कंप्लीटली ये चीजें डिविजिबल हो रही है, तब कंप्लीटली हमारा ये वाला टर्म दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 6। सो ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए एप्लीकेबल होगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड सो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1 to 5 1 9 3 11 एंड 1 5 6 2 8 लिविंग द रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। सो इनमें से 1 2 3 का रिमाइंडर बनना चाहिए जो भी हमारा यहां पर आंसर आएगा। सो बेसिकली इसमें से पहले हम इन रिमाइंडर्स को माइनस कर देते हैं दैट वुड बी 1 to 5 0 एंड इफ वी 1 9 3 77 -2 = 9 3 7 this is going to be 5 75 and also we have 1 5 6 2 8 -3 is going to be 1 5 6 2 5। now इनका हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमें इसका इसका और इसका एचसीएफ निकालना है ना कि इसका। सो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर छाट लेते हैं दैट इज going to be this and our b is going to be 9 3 7 5। also अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हो तो उसे पहले लेक्चर देख लीजिए आपको एचसीएफ पता चल जाएगा। मे बी शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर है दिस वन एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड लेट्स से 9 1 times only वी आर गोइंग टू लेट्स से 1 time सो 1 5 6 2 5 -9 3 7 5 which is going to be 0 and that 1 minus 7 is going to be 5 and 2 and 6 so 6 to 5 0 into 1 time jayega plus 6 to 5 0 is going to be our remainder. Now this is going to be our new dividend 9 3 7 5 and equals to this is going to be new divisor 6 to 5 0 into ye chala jayega hamara 1 time and also agar hum ise minus karte hain 9 3 7 5 minus 6 to 5 0 so ye bachega 25 and 1 and 3 3 1 2 5 plus 3 1 2 5 so this is going to be the next one jo ki hamara dividend banega 6 to 5 0 in equals to 3 1 2 5 into a 2 times completely chala jayega and zero bach jayega. jab remainder zero bach jata hai to last ka jo divisor hota hai wo hamara hcf hota hai. so basically hum ye keh sakte hain ki hcf of 1 5 6 2 5 and 9 3 7 5 is 3 1 2 5। नाउ हमें एचसीएफ निकालना है 3 1 2 5 का एंड हमारा रिमेनिंग नंबर हमें एचसीएफ निकालना है ऑफ 3 1 2 5 एंड 1 2 5 0 का निकालना है सॉरी दिस इज 0 एंड इसका हमें एचसीएफ निकालना है। नाउ एचसीएफ के लिए हमें बड़ा नंबर पहले लेना है लार्जेस्ट नंबर को पहले लेना है तो 3 1 2 5 इज गोइंग टू बी डिवाइजर बन जाएगा 1 2 5 0 इनटू ये हमारा चला जाएगा शायद 2 टाइम्स एंड जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा एस ए सी
एंड जो हमारा रिमाइंडर बचेगा दैट इज गोइंग टू बी 625. नाउ ये वाला हमारा नया डिविडेंड बन जाएगा, नया डिविडेंड दैट इज 1250 इक्वल टू 625 एंड इनटू ये हमारा 2 टाइम्स पूरा चला जाएगा 2 टाइम्स प्लस 0 एंड ये लास्ट का जो नंबर बचेगा दैट वुड बी द HCF ऑफ ऑल द नंबर्स. सो बेसिकली हमारा जो HCF आएगा ऑफ 15625, 9375 एंड द लास्ट नंबर वॉज 1250, इसका HCF जो आएगा वो आएगा 625. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव दैट वन ऑफ एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. नाउ वी नो दैट एवरी दैट वेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 3, सो या तो वो पूरा 3 से डिवाइड होगा या फिर 1 रिमाइंडर छोड़ेगा या 2 रिमाइंडर छोड़ेगा. सो बेसिकली हम लेट मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू n, सेकेंड इंटीजर वुड बी n प्लस 1 एंड द थर्ड इंटीजर वुड बी n प्लस 2. नाउ वी नो that n is a positive integer and when n is divided by 3, so n will in the form of 3q, 3q plus 1 and the last one is 3q plus 2. Now let us take our assumption. Now the first integer, for first integer for n, basically for n, n के लिए हमारा क्या बचेगा, या तो remainder हमारा 3, या तो हमारा answer आएगा 3q plus 0, या आएगा 3q plus 1, या फिर आएगा 3q plus 2. basically in this particular case अगर हमारे पास n है, so n is going to be our 3q basically. And next is if we find any n would be equal to 3q, now this is divisible by 3, है ना, ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये मल्टीपल है 3 का. नाउ बेसिकली नेक्स्ट वन इज n प्लस 1. नाउ ये कंडीशन हमारी तब बनती है व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब हमारा r 0 होता है. सो बेसिकली n इज इक्वल टू 3q. नाउ n की जगह हम प्लेस कर रहे हैं 3q, सो यहां पर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1. नाउ ये इससे डिविजिबल नहीं होगा. ऑल्सो यहाँ पर रिमाइंडर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रिमाइंडर यहाँ पर 0 ही है और मैंने ऊपर लिख दिया है. ऑल्सो अगर मैं बात करता हूँ n प्लस 2 की तो ये बनेगा 3q प्लस 2. नाउ इस ये भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से. अब अगर हम बात करें फॉर या पहले मैं केस देता हूँ व्हेन r इक्वल टू 1, सो व्हेन r इक्वल टू 1, सो हमारा n जो है वो आ जाएगा n इक्वल टू 3q और डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन प्लस हमारा रिमाइंडर 1. नेक्स्ट केस इज n प्लस 1, सो यहां पर आ जाएगा 3q प्लस 1 इज इट इज गोइंग टू बी 3q प्लस 2. नाउ ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है एंड ये भी हमारा डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज n प्लस 2, सो यहां पर हमारा बन जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1, दैट इज आवर रिमाइंडर दिस वन, सो ये बन जाएगा हमारा 3q प्लस 3. अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 3 को, ये बचेगा q प्लस 1, विच इज यहां से हमें क्लियरली दिखता है कि ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा. नाउ लास्ट कंडीशन इज व्हेन r इक्वल्स टू 2, है ना, जब r 2 के इक्वल हो जाएगा. सो अगर हम बात कर रहे होते हैं n के लिए, सो n इक्वल्स टू, n इज गोइंग टू बी 3q एंड प्लस 2, बेसिकली 3q प्लस 2. अगर हम बात कर रहे होते हैं n प्लस 1 की, तो n प्लस 1 बन जाएगा हमारा n को, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं 3q प्लस 2 से, तो यहां पर हमारा बन जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1, इट इज गोइंग टू बी 3q प्लस 3, कॉमन लेंगे 3, q प्लस 1 बचेगा, ये 3 से डिविजिबल है.
लास्ट कंडीशन लेंगे n प्लस टू, सो n प्लस टू लेंगे तो यहां पर हमारा पास बचेगा 3q + 2 + 2 = 3q + 4। तो ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि अगर रिमाइंडर 2 है तो हमारा ये वाला दैट इज n प्लस 1 हमारा 3 से डिवाइड होगा। अगर हमारा रिमाइंडर 1 है सो ये दिस वन n प्लस 2 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 है सो n हमारा डिविजिबल होगा। पॉजिटिव आर नॉट इनफ, so this is going to be the last question of this morning, night or evening, whenever you are watching the video. So the question is, show that only one n only out of n, n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5, in mein se keval n se ek hi number divisible hoga. Now condition kya hai, according to divisible lemma ya according to division algo, हम जानते हैं कि जो हमारा a है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नाउ यहाँ पर हमारा b जो है वो 5 है, सो r का जो सेट बनेगा, r का सेट बनेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ अगर हम यहां से चलते हैं सो हमारा n जो है n विल बी इन द फॉर्म ऑफ 5q या फिर वो लिखता है 5q + 1 के फॉर्म में, या फिर वो लिखता है 5q + 2 के फॉर्म में, 5q + 3 के फॉर्म में, 5q + 4 के फॉर्म में, 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3 एंड 5q + 4। सो बेसिकली यहां से हमसे पूछा गया है इस चीज के बारे में, n के बारे में। तो n अगर हम यूज करते हैं 5q, है ना, इफ n इज इक्वल टू 5q, अगर n जो है वो 5q है, वैसे इसे कंडीशन 1 मान लेते हैं, तो यहां पर जो n है, n इज गोइंग टू बी 5q ना, जो n है, टर्म n है वो तो 5q बन जाएगा, ठीक है। नंबर ये इक्वेशन वैसे फर्स्ट मान लिया, n प्लस 4 जो है वो बन जाएगा 5q + 4 एंड n प्लस वैसे 8 ना, n प्लस 8 बन जाएगा 5q + 8 एंड ऑल्सो n + 12 बन जाएगा, n + 12 इज गोइंग टू बी 5q + 12 एंड n + 16 बन जाएगा, n + 16 इज गोइंग टू बी 5q + 16। नाउ इसके अंदर केवल एक ही टर्म डिविजिबल है, दैट इज ये। तो बेसिकली इसमें से n की वैल्यू जब हम 5q पुट करते हैं तो यहां पर ये केवल ये ही आएगा। अगर दूसरी फॉर्म को निकालें, इफ n इज इक्वल टू 5q + 1, दैट इज द सेकंड कंडीशन ये वाली, सो हमारे पास जो n है वो बन जाएगा 5q + 1, n + 4 जो है वो बन जाएगा 5q + 5, और सो इसमें से अगर हम 5 को कॉमन निकालते हैं तो q + 1 बचेगा, सो ये डिविजिबल है, यहां से क्लियरली दिख रहा है। n + 8 को अगर डिविजिबल करते हैं सो हमारे पास बचेगा 5q + 8, ये डिविजिबल नहीं है। n + 12 को अगर करते हैं तो हमारे पास बचेगा 5q + 12, अगेन ये भी डिविजिबल नहीं है। n + 16 को अगर करते हैं तो ये बचेगा 5q + 16, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर से भी केवल एक ही चीज डिविजिबल आ रही है, दैट इज ये वाली। अगर हम रखते हैं 5q + 2, इफ n इज इक्वल टू 5q + 2, सो n जो है वो बन जाएगा 5q + 2, डिविजिबल नहीं है। n + 4 अगर रखेंगे तो बन जाएगा 5q + 6, ये भी डिविजिबल नहीं है। n + 8 को रखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5q + 8, ये भी डिविजिबल नहीं है। n + 12, ये बन जाएगा हमारा 10, एंड ऑल्सो यहां से 5 कॉमन निकल सकता है, सो हमारे पास बचेगा q + 2, सो ये हाँ डी ये डिविजिबल है। n + 12 रखते हैं, सो n हमारा है 5q + 2, सो 5q + 2 + 12 = 5q + 14। नाउ ये भी डिविजिबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं द लास्ट वन n + 16, सो n + 16 की बात करते हैं तो यहाँ बचेगा 5q + 2 + 16 इज गोइंग टू बी 5q + 18, जो डिविजिबल नहीं है। नाउ n इज इक्वल टू q + 2 में भी ये केवल एक ही चीज डिविजिबल है, दैट इज ये वाली n + 8, एंड ऑल्सो जब 5q + 1 है एंड 5q + 1 है सो ये वाली चीज डिविजिबल है, और जब n 5q है सो 5q डिविजिबल है। पॉजिटिव कैन नोट इट डाउन, फर्दर आगे करेंगे।
ना हमारा हो गया था एन इज इक्वल टू फाइव क्यू प्लस टू तक. और अगर हम मान लेते हैं इफ एन इज इक्वल टू फाइव क्यू प्लस थ्री, सो हमारे पास यहाँ बचेगा एन इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा फाइव क्यू प्लस थ्री, यहाँ से ये डिविजिबल नहीं है. एन प्लस फोर बन जाएगा हमारा फाइव क्यू प्लस सेवन, अगेन ये भी डिविजिबल नहीं है. अगर हमारे पास है एन प्लस एट तो हमारा बन जाएगा फाइव क्यू प्लस थ्री प्लस एट इक्वल टू फाइव क्यू प्लस इलेवन, ये भी डिविजिबल नहीं है. एन प्लस ट्वेल्व अगर बात करें तो ये बन जाएगा फाइव क्यू प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व विच इज गोइंग टू बी फाइव क्यू प्लस फिफ्टीन. अगेन अगर हम इसमें से फाइव कॉमन निकालते हैं तो हमारा क्यू प्लस थ्री बचेगा, ये डिविजिबल हो सकता है, सॉरी ये डिविजिबल है. एंड ऑल्सो अगर हम एन प्लस सिक्सटीन की बात करते हैं सो एन प्लस सिक्सटीन के लिए हमारा आएगा फाइव क्यू प्लस नाइनटीन विच इज नॉट डिविजिबल. लास्ट इज एन, अगर हम एन को मान लें इफ एन इज इक्वल टू फाइव क्यू प्लस फोर, सो ये डिविजिबल नहीं है. अगेन मैं इसको दोबारा लिख करके बता देता हूँ, फाइव क्यू सॉरी फाइव क्यू प्लस फोर ये डिविजिबल नहीं है. अगर हम बात करें एन प्लस फोर की तो ये बनेगा हमारा फाइव क्यू प्लस एट, डिविजिबल नहीं है. एन प्लस एट की बात करें तो हमारा बचेगा फाइव क्यू प्लस फोर इन ट्वेल्व, ये भी डिविजिबल नहीं है. एन प्लस ट्वेल्व की बात करें तो ये बचेगा फाइव क्यू प्लस सिक्सटीन, अगेन डिविजिबल नहीं है. अगर हम बात करें एन प्लस सिक्सटीन की सो यह आ जाएगा हमारा फाइव क्यू प्लस ट्वेंटी विच इज गोइंग टू बी फाइव कॉमन क्यू प्लस फोर. नाउ ये हमारा डिविजिबल है फाइव से. नाउ इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एन प्लस ट्वेल्व डिविजिबल है इस केस में इफ एन इज इक्वल टू फाइव क्यू प्लस थ्री. अगर हमारे पास फाइव क्यू प्लस फोर है सो हमारे पास एन प्लस फोर डिविजिबल है. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Hope you enjoyed the video. Now I'll see you in the next lecture. Tab tak ke liye peace out.